हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। वेल गाइस, हम इस चैनल पे पीसी गेम्स एंड मोबाइल गेम्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। तो वेल गाइस, जो आज के वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि देखो यार, अपने हमारे जितने भी भाई लोग हैं, हर किसी के पास एंड पीसी नहीं है कि जो वो आराम से GTA 5 खेल पाए। किसी के पास 3GB रैम वाला पीसी है, तो किसी के पास 2GB एंड किन्हीं के पास 4GB रैम वाला पीसी है। दोस्तों, रैम सेगमेंट तो इतना ही है, बट ग्राफिक कार्ड भी बहुत ही कम लोगों के पास हाई एंड स्पेक्स वाला ग्राफिक्स रहता है। जैसे कि अपने पास नॉर्मली 512 MB इंटेल का ग्राफिक कार्ड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर भी बेसिकली डुअल कोर रहता है। तो अगर आप भी ये फुलफिल करते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट, तो आप पे GTA 5 अब चलने वाला है, वो भी बिना लैग के। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि GTRP या ऑनलाइन खेलते तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप GTA 5 लैग करते हैं भी, आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, आपका ID बैन नहीं होने वाला है। तो वेल गाइस, यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक पैच दे रहा हूँ। उस पैच को कैसे इंस्टॉल करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। पैच का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड बाद में करना, पहले आप वीडियो देख लो। आप लोग वीडियो नहीं देखते इसलिए आपको एरर आता है, इसलिए आपके PC या लैपटॉप पे गेम नहीं चल पाता है। तो वेल गाइस, मैं पहले बता दूं, अब यहाँ पर आप कमेंट मत करना कि आपने बहुत सारे पैच दिए हैं। दोस्तों, ये पैच उन पैच से बहुत ही अलग है, खासकर एक्सट्रीम लो एंड PC के लिए बनाया गया है। तो जिनके पास लो एंड PC है सिर्फ वही यूज़ करें, या जिन पे GTA 5 बहुत ही ज़्यादा लैग करता है वही यूज़ करें। क्यों दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब उतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे गेम प्ले में देख सकते हो यही ग्राफिक्स आपको मिलने वाले हैं आपके लो एंड PC पे। तो चलो फटाफट से अपने PC में चलते हैं कि कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है। आपको एक फाइल डाउनलोड करना है जिसका नाम है GTA 5 एक्सट्रीम लो एंड PC पैच, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि ये पैच और पैच से बहुत ही अलग है, क्योंकि लिए जिन लोगों के पास 512 MB का ग्राफिक कार्ड है या वो इंटेल SD ग्राफिक कार्ड पे खेलते हैं, तो भाई बहुत ही सोने पे सुहागा होने वाला है, मैं पहले बता दूं। तो जाके फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेना, आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। कॉल करने से पहले बस मैं इतना बता दूं कि अगर आपके पास GTA 5 नहीं है या गेम आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि गेम का साइज बहुत ही ज्यादा, आप फटाफट से जाके मेरे सेकंड चैनल पे चले जाएं, वहां पर आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड जी देख सकते हैं हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, एंड पासवर्ड कुछ भी नहीं है। सिंपली हम इसे ओपन करते हैं, पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉक्सी को इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको प्रॉक्सी के फोल्डर को ओपन करना है, एंड इसे आपको इसे डबल टैप करना है, यस करना है, फिर से यस करना है, एंड ओके। यहाँ पर हमारा प्रॉक्सी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम कन्फिग इंस्टॉल करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम कोई भी मोड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड ये हमारा जो कन्फिग है वो भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सिंपली आपको इसे ओपन करना है, यहाँ पर आपको एक अपडेट का फोल्डर दिखेगा, सिंपली इसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा setting.xml करके, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर से लेके वीडियो तक जितना है यहाँ आप कॉपी कर लें, एंड सिंपली अब आपको जाना है आपके डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पे, माई कंप्यूटर पे जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रॉकस्टार गेम्स में जाना है, यहाँ पर आपको GTA 5 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको वही नाम का एक फाइल मिलेगा setting.xml करके, सेम प्रोसीजर, इसे आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, एडिट पोर्ट को ओपन करना है, एंड ऊपर से लेके नीचे यहाँ तक वीडियो तक जितने भी यहाँ से आप उड़ा दें, एंड नीचे की दो लाइन आपको जैसा है वैसे ही रहने देना आपको, एंड सिंपली हम यहाँ से जो कॉपी किए थे सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पर स्पेस दे देते हो, तो ऐसा स्पेस नहीं देना है, जैसा है वैसे ही रहने दे। सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है, फाइल्स पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको इसे सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला काम कंप्लीट होता है। दोस्तों, थर्ड स्टेप पे सिंपली आपको कोर CPU को इंस्टॉल करना है, सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको इसे कोर के फोल्डर को ओपन करना है, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सेटअप दिखेगा, सेटअप को बहुत ही सिंपल इंस्टॉल करना, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करना है, यहाँ पर हम ओके। तो वेल गाइस, इसे मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, सिंपली हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ हमारा ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट होता है। दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी काम, सिंपली हम कट कर देते हैं। CPU कोर को आपको यहाँ पर ओपन करना है, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको इसे हाई परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करना है, एंड जैसे देख सकते हैं कोर इंडेक्स को आपको 100 कर लेना है, टर्बो बूस्ट को 100 करके इसे आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इसे आपको मिनिमाइज कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जाना है, सर्च बार पे जाना है, यहाँ आपको लिखना है एडवांस व्यू, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आना है आपको, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको ये देख रहे हो थर्ड वाला एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, सिंपली आपको इसे क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेना है।
ओके, तो आप सिंपली इसे यहाँ से आप ओके करें एंड यहाँ से आप क्लोज कर लें। अब क्या करना है अपने बाद दोस्तों, आपको फिर से यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर आपको रन टाइप करना है। आपको यहाँ पर परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, मतलब आपको अपना जो टेम्प फाइल है वो हर 2 से 3 दिन में आपको यार क्लीन करना है, ठीक है। ये नहीं कि टेम्प फाइल जमा होते जा रहा है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर का जो स्पीड रहता है वो थोड़ा इन्हांस हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा सभी काम कंप्लीट होता है, अब हम गेम ओपन करने के लिए रेडी है। सिंपली आपको गेम पे जाना है एंड राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। क्या अभी भी आपको लगता है कि आपका GTA 5 नहीं चलेगा आपके लो एंड पीसी पे, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। बोलूंगा कि यहाँ पर आपको ग्राफिक्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल ग्राफिक्स मिल रहा है फॉर लो एंड पीसी, मतलब आप इसमें खेल सकते हो। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा कम, मतलब बहुत ही ज्यादा इनविजिबल, आप इसमें खेल सकते हो। आप रोल प्ले में भी इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में भी से आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपका आईडी बैन होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इस पे कोई भी मोड्स इंस्टॉल नहीं कर रहे, ठीक है। तो बस दोस्तों, बस आज की वीडियो बस इतना ही था। होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों, अपने प्यारे फ्रेंड्स से शेयर करो यार, क्योंकि यार उनके पास भी एक लो एंड पीसी है। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। एक बार दोस्तों, COVID-19 का केस बढ़ते जा रहा है, तो प्लीज घर पे रहें और ज्यादा गेम खेलें, एंजॉय करें तब तक के लिए। हाँ, पढ़ाई भी करें यार, क्योंकि देखो ज्यादा गेम खेलोगे तो फिर कुटाई घर पे कंफर्म है। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।